तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रेवाड़ी कोड पियोन। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस, यहाँ पे सर्वर रिक्वायरमेंट 2024 के आवेदन फॉर्म अप्लाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेवाड़ी कोड में यहाँ पे अलग अलग पोस्टों पर भर्ती निकाला गया है जिसका आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे जो आपके लिए आवेदन फॉर्म भरने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन, यहाँ पे देख सकते हैं जब दिवाली के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों। पियोन यहाँ पे सर्वर के पोस्ट पर भर्ती निकाला गया दोस्तों। इसका आवेदन फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होगा। आगे हम बताएंगे फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर कर किस तरह भर कर कहाँ जमा करना है। आप वीडियो अंत तक बने रहिए। आगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 18/10/2024 से आवेदन शुरू हो चुका है, यानी कि 18 अक्टूबर 2024 से आवेदन शुरू हो चुका है और 4 नवम्बर 2024 तक चलने वाला है। 16 से 22 नवम्बर के बीच यहाँ पे देख सकते हैं इंटरव्यू लिया जाएगा दोस्तों। इंटरव्यू का डेट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पियोन के लिए यहाँ पे 25 से 30 नवम्बर रहेगा दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस सर्वर के लिए 16 से 22 नवंबर तक रहने वाला है। अप्लीकेशन फी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट के लिए पैसा नहीं लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो आपका एज मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। 1/1/2024 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। नियमानुसार एज में छूट भी मिलेगा दोस्तों। आगे यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाती है, इसमें इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों। आगे यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस सर्वर के लिए 10th पास होनी चाहिए दोस्तों, और पियोन के लिए 8वीं पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें और भी यहाँ पे रिलेटेड जानकारी दिया गया दोस्तों। पोस्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया गया है। यहाँ पे प्रोसेस सर्वर के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई दोस्तों, ही पियोन के लिए 13 पोस्ट पर भर्ती निकाला गया दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नेम दिया गया दोस्तों। प्रोसेस सर्वर के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल यहाँ पे दिया गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से पियोन का यहाँ पे शेड्यूल दिया गया दोस्तों, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो आप वीडियो अंत तक बने रहिए। तो सिंपली आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा दोस्तों। ऑफिस डिस्ट्रिक्ट सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं जाकर का ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन से। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे पूरी इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया दोस्तों। तो आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िएगा, इसमें पूरी जानकारी को मेंशन किया गया दोस्तों। तो एक बार यहाँ पे आपको जरूर पढ़ना होगा। यहाँ पे पियोन और यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग पोस्टों के निकाली गए, आप यहाँ पे हिंदी में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। पूरी जानकारी इसमें मेंशन किया गया, आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ऑफिशियल नोटिफिकेशन उपलब्ध है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऊपर में पोस्ट का डिटेल मेंशन किया गया जो प्रोसेस सर्वर के लिए यहाँ पे पोस्ट पर यहाँ पे फॉर्म निकाला गया दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं एक पोस्ट है या पियोन पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म निकाला गया दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में फॉर्म है दोस्तों। अगर आप इंग्लिश वाला भरना चाहते हैं तो इंग्लिश में भर सकते हैं, हिंदी वाले फॉर्म भरना चाहते हैं तो हिंदी में भी भर सकते हैं दोस्तों। आप अपने अनुसार जिसे भी भरना चाहते हैं, तो हम डेमो के लिए यहाँ पे फॉर्म भर कर बता रहे हैं तो इनमें से एक पोस्ट पर आपको फॉर्म भर कर बता देते हैं। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं हम प्रोसेस सर्वर के लिए बता देते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे सभी पोस्टों को आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप भरना होगा पोस्ट का। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना होगा, लेटेस्ट कलरफुल पासपोर्ट साइज प्लेन बैकग्राउंड वाला फोटो होनी चाहिए दोस्तों, ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको पोस्ट का डिटेल यहाँ पे मेंशन किया रहेगा दोस्तों। आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे कैंडिडेट का नेम लिखना होगा, इस पहले से प्रिंट आउट निकलवाना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे भरना होगा कैंडिडेट के यहाँ पे नेम, उसके बाद फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट करके कितना होता है यहाँ पे लिखना होगा। सेक्स बताना होगा, आप मेल है फीमेल है अपने अनुसार यहाँ बताना होगा। नेशनलिटी आप इंडियन है या अदर कंट्रीज बिलोंग करते हैं। परमानेंट एड्रेस का यहाँ पे जानकारी देना होगा, तो सिंपली विलेज या सिटी के अनुसार जहाँ भी रहते हैं आपको परमानेंट एड्रेस का जानकारी देना होगा पिन कोड के साथ। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस का आपको यहाँ पे जानकारी देना होगा, कैटेगरी बताना होगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताना होगा दोस्तों।
जो भी आपका क्वालिफिकेशन है आप अपने अनुसार बता सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के यहाँ पे डिटेल मांगा जा रहा है, तो सिंपली आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करें उसके अनुसार एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पे डालना होगा। देख सकते हैं आपको 10वीं पास का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा, तो किस बोर्ड से पास किए, पासिंग ईयर, डिवीजन बताना होगा, मार्क बताना होगा, ग्रेड यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट बताना होगा, तो उसी प्रकार से आपको बताना होगा। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन का जानकारी है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, डिवीजन, परसेंटेज वगैरह बता सकते हैं। कोई और आपके पास अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसका जानकारी दे सकते हैं। उसी प्रकार से पासिंग ईयर वगैरह बताना होगा दोस्तों। और नीचे आना होगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का डिटेल यहाँ पे डालना होगा दोस्तों। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा, चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी यानी होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, तो सिंपली ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे नेम डालना होगा। सिंपली यहाँ पे नेम या फादर्स या मदर्स के नेम पे डाल सकते हैं दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वाइफ यहाँ पे देख सकते हैं लगाना होगा, तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली डेट मेंशन करना होगा, आप किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्लेस मेंशन करना होगा, आप किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर भी करना होगा। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। अगर आप प्योन पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो सेम डी टू है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्रकार से आपको भरना होगा। सेम टू सेम जानकारी आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ 8वीं का जानकारी भी दे सकते हैं या 10वीं का भी दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेम टू सेम उसी प्रकार से आपको फॉर्म को भरना रहता है, यहाँ पे सिर्फ पोस्ट का डिटेल अलग है दोस्तों, बाकी जानकारी सेम भरना होगा जिस भी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने के बाद फॉर्म भरने में जो भी जानकारी का प्रयोग किया दोस्तों उससे रिलेटेड दस्तावेज को फॉर्म के पीछे फोटो कॉपी करा कर लगाना होगा। जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम 10वीं या ग्रेजुएशन का जानकारी दिए हैं तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट को फॉर्म के पीछे लगाना होगा। एक्सपीरियंस का जानकारी दिए तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट फॉर्म के पीछे लगाना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड का फोटो कॉपी फॉर्म के पीछे लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10वीं का मार्कशीट आप फॉर्म के पीछे लगा सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से लगाना होगा, तो सभी दस्तावेज को फॉर्म के पीछे लगा देते हैं, लगा दीजिएगा। यहाँ पे SC ST OBC बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी फॉर्म के पीछे लगाना होगा। इन सभी दस्तावेज को फॉर्म के पीछे लगाने के बाद आपको एक लिफाफा लाना होगा दोस्तों, और लिफाफे में यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म को पैक कर दीजिएगा। और सभी दस्तावेज को पैक करने के बाद लिफाफे के ऊपर पोस्ट का डिटेल मेंशन करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे एक साइड अपने एड्रेस को मेंशन करना होगा किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं, और एक साइड उस एड्रेस को मेंशन करना होगा जहाँ आप फॉर्म भेजना चाहते हैं दोस्तों। जहाँ भी आप फॉर्म भेजना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ 2 लिखा गया दोस्तों, इसी एड्रेस पर आपको फॉर्म को भेजना होगा। तो आगे हम बताएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो इसी एड्रेस पर, तो एक साइड उस एड्रेस को मेंशन करना होगा और लिफाफे के ऊपर डेट मेंशन कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टमैन के सहारा लेकर आपको लिफाफे के एड्रेस पर भेजना होगा दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप भेज सकते हैं। तो सिंपली लिफाफे के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं इसी एड्रेस को मेंशन करना होगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस मेंशन किया गया, तो वहाँ पे देख सकते हैं एक साइड इसी एड्रेस पर मेंशन करना होगा एप्लीकेंट फॉर द, यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से लिफाफे के ऊपर पोस्ट का डिटेल मेंशन कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर भेज सकते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब के फॉर्म की जानकारी के साथ।